साल 2023 आने में भले ही अभी काफी वक्त हो, लेकिन ये साल मध्य प्रदेश के सियासी दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो साल होगा जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के सहारे विपक्षी दल होने का दंश खत्म किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने एक बार फिर से 2023 के चुनावी रण के पहले एक बार फिर जनजातीय वोटर्स को साधने की जुगत में है, जिसको लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में पदयात्रा निकालने जा रही है। ये पदयात्रा विश्व आदिवासी दिवस से शुरू होकर 15 अगस्त तक की जाएगी। यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं का फोकस उन विधानसभा में ज्यादा होगा जिसमें आदिवासी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 20% आबादी आदिवासी है। जनगणना 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह है। भील भिलाला आदिवासी समूह की जनसंख्या सबसे ज्यादा 59.939 लाख है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी गोंड समुदाय की है। गोंड समुदाय की आबादी 50.931 लाख है। कोल 11.666 लाख, कोरकू 6.308 लाख और सहरिया 6.149 लाख की आबादी है। 230 विधानसभा में 84 सीटों पर आदिवासी वर्ग का सीधा प्रभाव है। 2013 में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से भाजपा ने 31 सीटों पर कब्जा किया था। 2018 के चुनाव में आदिवासी वर्ग कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। 2018 के चुनाव में आदिवासी आरक्षित 47 में से 30 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी। बीजेपी को महज 16 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। बात करें तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी होता है, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ भी होती है। हर वर्ष हम आयोजन करते हैं, हम इस बार भी वो जा रहे हैं। इंदौर जिले के पातालपानी जा रहे हैं, जहाँ टंटिया भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान चलेगा जो कांग्रेस हर वर्ष करती है। लंबे समय से सत्ता के सिंहासन पर बैठे प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बीते चुनाव के परिणामों से सबक लेकर आदिवासी वोटर्स को साधने की पहले ही काफी पहल कर चुके हैं, जिसका गवाह जमुई मैदान बन चुका है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का जादू आदिवासी वोटर्स के सर चढ़कर बोला। वहीं अब कांग्रेस की पदयात्रा आदिवासियों के दिल में पार्टी के लिए कितना रास्ता बना पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।